Hello children, in our previous lecture we know about the civilization and the places where the civilization developed and four ancient civilizations that were Egyptian civilization, Mesopotamian and Babylonian civilization, Harappan and Vedic civilization and Chinese civilization. Now we shall saw the comparison among these three civilization. Let's start. Civilizations are Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, Chinese civilization. Religions, occupation, invention. धर्म से related, व्यवसाय से संबंधित और क्या क्या खोजे की उससे संबंधित, इनके बीच हम comparison देखेंगे, तुलना देखेंगे. Worship forces of nature in forms of many gods. मेसोपोटामियम सभ्यता के जो लोग थे ये प्रकृति की पूजा करते थे भगवानों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में. इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, मिस्र सभ्यता में, वर्शिप सन गॉड रा, वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून फ्लड्स. ये सूरज भगवान की पूजा करते थे जिसे वो रा नाम से जाना करते थे, और इसके अलावा प्रकृति की पूजा करते थे चंद्रमा और बाढ़ के रूप में. थर्ड, चाइनीज सिविलाइजेशन में, वर्शिप नेचर इन फॉर्म ऑफ अर्थ और ओरेकल्स. ये भी प्रकृति की पूजा करते थे धरती के रूप में, और जी ये जो भविष्यवाणी होती है देववाणी, इनकी ये पूजा किया करते थे. तो यहाँ पर हमने देखा कि लगभग तीनों जो सिविलाइजेशन में हैं उनमें नेचर को ज़्यादा अहमियत दी गई है. नेचर सभी का गॉड यहाँ पर इंक्लूड हुआ है. सेकंड, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय में हम देखेंगे एग्रीकल्चर, पॉटरी, ग्लास एंड क्लॉथ मेकिंग. मेसोपोटामियम सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे, मटके बनाते थे, कांच और कपड़े बनाने का भी काम करते थे. इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कृषि करते थे और पशुपालन करते थे. चाइनीज सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेंटिंग, सेरिकल्चर. चीनी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, चित्रकारी भी करते थे और रेशम के कीड़ों को पालते भी थे रेशम बनाने के लिए. तो यहाँ पे भी हमने देखा लगभग जो ऑक्यूपेशन है वो सेम है. थर्ड हमारा अब आता है टॉपिक इन्वेंशंस, खोजें. कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वेयर एंड क्यूब रूट, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यूज ऑफ हर्ब्स, वाटर क्लॉक, लूनार कैलेंडर, कोड ऑफ हम्मुरबी. तो मेसोपोटामियम सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने खोजें क्या की, उस समय जो जिस लिपि से लिखा जाता था, जिस तरीके से वो लिखते थे वो लिपि थी कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट. इसमें भी डायग्राम टाइप यूज होते थे. इसके अलावा गुणा करने की प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया, वर्ग और वर्गमूल, ये सब भी शुरू हुए थे. दूसरा वजन की योजना, माप की योजना, ये भी मेसोपोटामियम सभ्यता में हुआ. यूज ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का प्रयोग हुआ, पानी वाली घड़ी का प्रयोग हुआ, चंद्रमा कैलेंडर का प्रयोग हुआ, और कोड ऑफ हम्मुरबी, ये भी एक प्रकार की लैंग्वेज ही थी जिसमें डायग्राम पिक्चर्स बना के शो किया जाता था. तो ये इन्वेंशन मेसोपोटामियम सभ्यता में हो चुकी थी. नेक्स्ट है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हेरियोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, पेपिरस, सोलर कैलेंडर. तो वहाँ पर जो हमारी जैसी ये कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामियम की, तो यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी, लिखने की जो कला थी, जो लिपि जिस तरीके से लिखते थे वो थी हेरोग्लाफिक. पेपिरस की इन्वेंशन की, पेपिरस एक पौधा था जिससे पेपर बनाया जाता था, वो भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में खोजा गया. और सोर कैलेंडर, सूरज के जो आयाम होते हैं, सूरज की जो प्रोसेस होती है उसके आधार पर जो कैलेंडर होता है वो भी तैयार हुआ. ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन की इन्वेंशन थी. थर्ड चाइनीज सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, पेपर कैलेंडर दैट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूनार एंड सोलर डेट्स, यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड एक्यूपंचर.
यहाँ पर चीनी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, वो तो चित्रकारी वाली, पिक्टोग्राफिक थी। पेपर की खोज की गई। कैलेंडर वो था जिसमें लूनार और सोलर डेट्स दोनों का मिश्रण था। हर्बल मेडिसिन जो होती हैं उनका प्रयोग हुआ। और एक्यूपंचर एक टेक्निक होती है जिसमें प्रेशर देकर, दबाव देकर जो ठीक किया जाता है बीमारियों को, वो भी चाइनीज सिविलाइजेशन में डेवलप हुआ है। ये सब इन्वेंशन चाइनीज सिविलाइजेशन की थी। तो यहाँ पे हमने इनका कंपैरिजन दिया। नेक्स्ट, द एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ ब्रोंज एज डेवलप्ड इन रिवर वैलीज। प्राचीन सभ्यताएं जो थी ब्रोंज युग की, कांस्य युग की, वो सभी नदी घाटियों में विकसित हुई। लेट अस स्टडी अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन। आओ अब हम प्राचीन जो सभ्यता है उसकी उसकी स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन कल्चर दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, सम एरियाज और पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कल्चर जो कि भारत में है और कुछ हिस्से इसके पाकिस्तान में, उसका अब हम अध्ययन करेंगे। एंशियंट सिविलाइजेशन में, ब्रोंज एज में जो जो सिविलाइजेशन थी उनमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर की स्टडी करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू बेटा।